बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आप सभी का। आप सभी से अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण करने, आराम से बैठ जाएं। हमारा सौभाग्य है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच पर बहुत सारी महिला जनप्रतिनिधि गण मौजूद हैं, जो हमारी प्रेरणा स्रोत भी हैं और हम उनका अभिनंदन भी करते हैं। सबसे पहले मैं माननीय सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें। 21वीं सदी के भारत को एक नई दिशा देने वाले और करोड़ों महिलाओं के साथ साथ हर भारतवासी के हृदय में विश्वास और आशा उत्पन्न करने वाले हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे बीच हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जो अपनी ओजस्वी और कर्मठ कार्य से उत्तर प्रदेश में एक नए विकास की लीक स्थापित कर रहे हैं, हमारे बहुत ही सम्मानित उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे बीच उपस्थित कई हमारे मंत्रीगण, हमारे केंद्र के मंत्री आदरणीय निरंजन ज्योति जी, अनुप्रिया पटेल जी, उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण महेंद्र सिंह जी, मोती सिंह जी, सिद्धार्थनाथ सिंह जी, नंदगोपाल नंदी जी, स्वाति जी, हमारे बीच गुलाब देवी जी, नीलमा कटियार जी, यहाँ उपस्थित संगीता बलवंत जी, हेमा मालिनी जी, केसी देवी जी, अभिलाषा गुप्ता जी जो हमारी महापौर हैं, और मंच पर उपस्थित हमारे उन सभी सांसदगण, विधायकगण और यहाँ उपस्थित लाखों की संख्या में आई हुई हमारी पूरे प्रदेश से बहुत प्यारी प्यारी बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज इस संगम की नगरी में इन लाखों महिलाओं की उपस्थिति में हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और जब से मेरा जन्म हुआ है मैं यहाँ पर माघ मेला, कुंभ, महाकुंभ देखती आई हूँ, पर धन्य हो कि आज आप लोगों की वजह से महाकुंभ महिलाओं का देखने को हम लोगों को मिल रहा है। आज हमें कितना गर्व है, कितनी शक्ति हमें आ रही है, इसका आभास आपको अवश्य हो रहा होगा। 1920 में महात्मा गांधी ने कहा था कि महिलाएं ऊर्जा का वो स्रोत हैं कि जिस दिन ये मुक्त हो गईं पूरी दुनिया को ये चकाचौंध कर देंगी। जो यात्रा हमने 1920 में शुरू की, जब स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा ने हमारा आह्वान किया, वह अब हम आपके आपके माध्यम से अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर बहुत तेजी से अग्रसर हैं। आज आपने हर महिला के हृदय में, आज 2020 है, 100 साल हो गए 2021, इन 100 सालों के बाद आज की महिला को, 21वीं सदी की महिला को हृदय में भाव आ गया है जो आपने दिया है, नारी है तू कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है। ये भाव अगर किसी ने पैदा किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने हमारे हृदय में पैदा किया। आज हमारी बहने घर में रोटी बेलने से लेकर और लड़ाकू विमान से दुश्मनों के छक्के छोड़ाने तक का काम कर रही हैं। आज हमारी बहनें बच्चियां स्कूल के मैदान से खेलते खेलते ओलंपिक के मैदान में जाके स्वर्ण पदक लेकर आ रही हैं। क्यों आ रही? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू हुआ, उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का परिणाम है कि आपको जानकर प्रसन्नता होगी बहनों कि 2012 में 1000 बालकों पर 909 बेटियां होती थी, बालिकाएं होती थी, और आज 2020 का जो आंकड़ा है 1000 बालकों पर 1020 बच्चियां पैदा हो रही हैं। और ये क्यों हुई? क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री थे, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री हैं। सुमंगला योजना, कन्या सुमंगला योजना का ये भी प्रताप है, आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है। मैं तो इस बात के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दूंगी कि आपने हमारे हृदय में जो भाव पैदा किया है वह भाव आज हमें सशक्त कर रहा है, और इसी भाव के साथ आज हम इतनी महिलाएं आपका धन्यवाद देने आई हैं, आभार व्यक्त करने आई हैं। बस इतने कहना चाहूंगी बहनों, ये डबल इंजन की सरकारी है जो देश में और प्रदेश में हमको सशक्त बना रही है, और हमें यह कायम रखना है, घर जा जाकर अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को बताना है, महिलाओं को मजबूत करना है। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आप सबका आपकी ओर से एक बार पुनः आदरणीय अपने प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और मंचस्थ और समक्ष बैठे हुए सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।